हेल्दी क्लियर बाय एसएमए एक दफा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम तुर्किश कबाब बना रहे हैं विद गार्लिक योगर्ट सॉस। तो तुर्किश कबाब बनाने के लिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए। बीफ का कीमा लिया है मैंने, तकरीबन 250 ग्राम के करीब है मेरे पास। और हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तकरीबन 1 टीस्पून है। लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, दोनों 1 टीस्पून है। और मुझे चाहिए काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया का पाउडर भी 1/2 टीस्पून चाहिए, सुरख मिर्च का पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही नमक चाहिए। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। सब्ज धनिया है तकरीबन कटा हुआ 2 टेबल स्पून। प्याज है ब्राउन कर लिए थे मैंने, एक प्याज था मीडियम साइज का, उसे काट के ब्राउन कर लिया। और चने चाहिए तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बॉइल किए हुए। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। और सॉस बनाने के लिए दही लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून दही में मैंने एक ये गार्लिक का पीस लिया है, इसे मैं हाथ से ही मैश करूंगी, मोटा मोटा काट लूंगी और उसके बाद हम इसे दही में डाल देंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे। एक दफा फिर से हमने इन सारी चीजों को चॉप कर लेना है ताकि हमारा बहुत बारीक कीमा बन जाए और कबाब हमारे टूटे ना। हाथ से ही मैं इस कीमे को डाल लूंगी। मैंने यहाँ पे चने इस्तेमाल किए हैं, आप चाहे तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। सरसों के तेल का बहुत मजे का टेस्ट इसमें आता है, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हमने सारे मसाला जात इसके अंदर डाल देने हैं, सब्ज धनिया, ये सारी चीजें डालेंगे हम अभी। इस वक्त तो इसमें बहुत अच्छे से पिस जाएंगी और मिक्स भी अच्छी तरह से हो जाएंगी। और चने भी, लहसुन का जो पीस था वो मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया, तो अब मैं इन सबको मिक्स कर लूंगी। एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हो गया, कीमा चॉप कर लिया अच्छी तरह से। तो अब मैं हाथ से एक दफा इसे मिक्स करूंगी। ये देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, अगर हम पानी वाला कीमा इस्तेमाल करेंगे ना तो कबाब हमारे टूट जाएंगे। तो अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। जिस साइज के आपको बनाने हो उस तरह से उठाएं। देखें कोफ्ते मैंने सारे बना लिए, तो अब मैं इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। आधे घंटे के बाद हम इसे पकाएंगे। अब हम चलते हैं कबाब को फ्राई करने की तरफ। ऑयल हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, इतना ज्यादा हमने ऑयल नहीं डालना कि बहुत ज्यादा हो जाए, और ना ही हमने बहुत कम डालना है। और एक एक करके ऐसे हम कबाब इसमें रखते जाएंगे। अब हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद जब एक साइड से हो जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये साथ चिपके नहीं। तो थोड़ा सा हम पैन को हिलाते रहेंगे ताकि ऑयल जो है वो हर जगह पे चला जाए। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान हमें इसलिए भी इसका ज्यादा रखना होता है क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए अंडा वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखें। अब मैं सिज़लर प्लेट को थोड़ा सा गर्म करूंगी और उसके बाद इन्हें सर्व करूंगी। प्लेट गर्म हो गई है तो मैं इसके अंदर फ्राइज रखूंगी। सबसे पहले फ्राइज आपकी मर्जी, आप कितने रखना चाहती हैं। अब कबाब, अब लास्ट में हमने जो दही तैयार किया था उसमें हमने गार्लिक डाली थी, वो दही डाल देंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी बाद में काली मिर्च तकरीबन 1 चुटकी और 1 चुटकी के करीब ही नमक डाल दिया था। गार्लिक का जो इसमें टेस्ट आता है ना, जो हमने पीस के इसमें से डाला था, वो बहुत मजे का होता है। एंड पे थोड़ा सा मैं इसके अंदर सब्ज धनिया डाल दूंगी, सिर्फ डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा। और ये बिल्कुल रेडी है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।